हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में लाइव मार्केट एनालिसिस करके बताने जा रहा हूं कि कैसे आप वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करते हुए आप यहां पे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहां पे जो हम टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जनरली हम लोग 5 मिनट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकरेज फर्म में है तो आपको वहाँ पे स्टडीज में जाना है, या फिर टेक्निकल्स में जाना है, या फिर इंडिकेटर्स में जाना है, और वहाँ पे आपको वॉल्यूम प्रोफाइल मिल जाएगा, उसको आप ऐड कर लेंगे और ये आपका साइट में ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो बिग लाइन है वो कहाँ पर है। आपका एक यहाँ पर है 17,300 करीब, उसके बाद आपका एक इसके करीब है 17,325 करीब, आपका यहाँ पर है, और नीचे में आपका ये इसके करीब है। तो जो यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल कौन कौन सा है, जो नीचे वाला है वो सपोर्ट लेवल है आपका 17,250, ये हमारा सपोर्ट के रूप में काम करेगा। फिर हमारा सपोर्ट लेवल और होगा 17,300 भी सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और हर्डल होगा 17,325 के करीब, और होगा 17,375 और 17,400। तो यहाँ पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी मार्क कर लिया, किसके बेसिस पे, वॉल्यूम प्रोफाइल के बेसिस पे, यानी जहाँ जहाँ भी आपको बिग लाइन दिख रहा है ये सब हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और अभी जो प्राइस आपका मूव कर रहा है, देख सकते हैं इस कंजेशन जोन के अंदर प्राइस आपका मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम ट्रेड सेटअप तैयार करते हैं, कब हमें ट्रेड लेना है, और ये चीज़ सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहला कैंडल का साइज़ देखिए काफ़ी बिग है, तो यहाँ पे कंजेशन जोन हमारा इसी के आसपास ख़त्म हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर लेंगे। जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा और यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल में स्ट्रेंथ दिखेगा, क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए और फिर ग्रीन कैंडल में स्ट्रेंथ चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाई साइड की तरफ पोजिशन इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा 17,375 और उसके बाद 17,400, ये हमारा टारगेट प्राइस बन जाएगा। वहीं उसके अपोजिट अगर इसके लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके प्राइस नीचे आता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये 17,300 के नीचे गया और रेड कैंडल में स्ट्रेंथ दिखा, सेलर में स्ट्रेंथ दिखा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ पोजीशंस लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लेवल्स ब्रेक होने का इंतज़ार करेंगे, और मैं आपको हमेशा से बताते रहता हूँ कि आपको अपना लेवल्स पकड़ के बैठे रहना, अगर मार्केट में लेवल करीब आया तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे। तो नीचे में हमने मार्क कर लिया 17,300, ऊपर में मेरा है इस कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको मार्क कर लिया, और इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है उसको मार्क कर लिया। अब हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब आइदर कैंडल इसके लोएस्ट पॉइंट या फिर इसके हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तब। अब आप यहाँ पे देखिए, अभी आपका टाइम हो रहा लगभग आपका 9:30 करीब, इसके हाईएस्ट पॉइंट को प्राइस ब्रेक करके ऊपर निकल गया, लेकिन क्लोजिंग अभी हमें ऊपर नहीं मिला, सिर्फ इसको टच किया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर हमें क्लोजिंग इसके ऊपर मिला, देखिए अभी इसके ऊपर बॉडी है और इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, अगर हमें क्लोजिंग इसके ऊपर मिला और फिर हमें ग्रीन कैंडल में स्ट्रेंथ देखने को मिला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय साइड की तरफ पोजीशंस लेंगे। अब यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे जल्दी डिसीजंस लेने के चक्कर में यहीं पे वो एंट्री कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर आप अभी एंट्री करेंगे तो यहाँ पे ट्रैप में फंसने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम कैंडल को थोड़ा सा टाइम देंगे, इसको अपना मैच्योरिटी लेवल साबित करने का टाइम देंगे, इसको पूरी तरीके से कम्युनिकेट करने का टाइम देंगे कि हमें कहना क्या चाह रहा है। अगर यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग बायर्स का एंट्री दिख रहा तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं लेंगे। अब यहाँ पर आज जो सेंटिमेंट है वो स्लाइटली निगेटिव साइड की तरफ भी है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा, और अगर हम यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो थोड़ा और यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। अब देखिए ये कैंडल आपका क्लोज दे दिया, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दिया, इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है, और इसके ऊपर जो भी बना है टेल पार्ट ही बना है, मतलब यहाँ पर हमें देखने को मिल गया कि बायर्स में अभी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि ये 17,350 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकले, या फिर इस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर निकले। अब यहाँ पे जो हमारा सेंटिमेंट है वो क्या है, आज के दिन के लिए सिर्फ है निगेटिव है, स्लाइटली निगेटिव है, क्योंकि जो ताइवान को लेके न्यूज़ था, यूएस और ताइवान को लेके, और यूएस और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ताइवान को लेके, उसको भी आपको ध्यान में रखना, उसके कारण से सेंटिमेंट थोड़ा सा खराब हुआ है, और उसी को लेके यहाँ पर हम क्या करेंगे, निगेटिव साइड की तरफ थोड़ा सा जाना प्रेफर करेंगे अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग।
तो अब देखिए, अब प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। अब यहाँ पे हम वेट करेंगे, अगर ये कैंडल भी इसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर या फिर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देता है, तो यहाँ पे जो लोग रिस्की ट्रेड लेना चाहते हैं, अब यहाँ पे दो लोग हो सकते हैं, एक जो रिस्की जाना चाहते हैं, दूसरा जो सेफ जाना चाहते हैं। जो रिस्क लेना चाहते हैं वो इस कैंडल को क्लोज होने दीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे एसएल रखना है और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करना होगा, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे सेफ जाना चाहते हैं उनको क्या करना, उनको वेट करना और कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को मार्क करना, जो कि आपका 17,300 करीब ये लेवल अगर ब्रेक करेगा, तो जो लोग सेफ जाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेल कीजिएगा 17,300 का लेवल ब्रेक होने के बाद। और टारगेट प्राइस की अगर हम बात करें तो आपका 17,250 यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस बन जाएगा। तो अभी भी ये कैंडल आपका क्लोज नहीं हुआ है और यहाँ पे भी हमें सेलर्स का ही स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा, मतलब सेलर्स का ही यहाँ पे हमें दबदबा देखने को मिल रहा है और कैंडल स्टिक कलर यहाँ पे रेड भी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं कैंडल के क्लोज होने का, बायर्स थोड़ा सा दम दिखा रहे हैं। अब देखिए कैंडल कलर आपका ग्रीन हो गया, लेकिन उतने बायर्स से काम नहीं चलेगा, हमें पूरा का पूरा क्लोजिंग एटलीस्ट कहाँ पे चाहिए, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है इससे ऊपर, या नहीं तो 17,350 जो हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल है इसके ऊपर चाहिए। और हमें लेवल्स पहले से पता है और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल डेवलप हो रहा है। अब जितना हमें स्ट्रांग सपोर्ट लेवल 17,300 लेवल पे देखने को मिल रहा, अब ये भी 17,325 ये भी आपका एक क्रूशियल लेवल्स के रूप में डेवलप हो रहा है। अब इसके ऊपर निफ्टी टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा वो कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा वो अच्छे खासे क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा। अब देखिए प्राइस आपका इसके ऊपर निकला है, लेकिन हमें क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर, जो कि यहाँ पे हमें मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, और इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो अभी हम वेट करेंगे इस लेवल का, क्योंकि अब जो हाईएस्ट पॉइंट बना है इसके करीब बना है और यहाँ से इसके बीच में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, तो इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए तभी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो हम थोड़ा देर बाद आपसे मिलते हैं और देखते हैं कि ये कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे दिया, फिर उसके बाद हमें कैसे रिएक्ट करना है। तो देखिए हम आपसे 5 मिनट बाद मिल रहे हैं। अब देखिए ये कैंडल क्या किया, ऊपर में पूरा का पूरा टेल बना दिया, मतलब ये जो क्लोजिंग है लगभग आपका इसी कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के करीब दिया, इसके ऊपर नहीं दे पाया है, और ये आपका एक फ्रेश हाई बना दिया इस लेवल के करीब। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन लोग ट्रेड कर सकते हैं, रिस्की ट्रेडर जिनको लॉस से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोग हाई रिस्क ट्रेड लेना चाहते हैं वो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। क्यों ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि सेंटिमेंट जो अभी है फर्स्ट आवर में वो स्लाइटली निगेटिव है, क्योंकि लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे जो भी लोग प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर लेवल पे क्या करेंगे, अपना एसएल रखेंगे, यानी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 17,360 या फिर 17,355, इन दोनों में से कोई भी लेवल को आप एज एसएल रख के आप अभी जो ट्रेड चल रहा है 17,340 या फिर 17,330, इन दोनों लेवल पे क्या कर सकते हैं, सेल पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं, सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। अभी आपका 340 के करीब ट्रेड कर रहा है, उसके बाद हमें एसएल पता हो गया कहाँ पे सेल करना वो हमें पता चल गया। अब हमारा टारगेट प्राइस क्या होगा, पहला टारगेट प्राइस अगर आप यहाँ पे सेल करें तो 17,300, और इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आप 17,250 के टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नुकसान भी होता है तो छोटा सा आपको नुकसान होगा, सिर्फ आपका काफ़ी छोटा सा 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और अगर आपको प्रॉफिट मिला तो यहाँ पे लगभग आपको 80 से 90 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ आसानी से दिख जाएगा। तो अगर आपको रिस्क लेना भी है तो इस तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क लेना, कब लेना है, सेंटिमेंट के साथ जाते हुए रिस्क लेना है। तो यहाँ पे आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं, देखते हैं जो हमें ट्रेड लेना उसका क्या एसएल हिट हुआ है या फिर टारगेट प्राइस हिट हुआ है। उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो लोग सेफ जाना चाहते हैं वो ट्रेड कब लेंगे, जब इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगा 17,350 ले लेते हैं, इसके ऊपर हमें कैंडल क्लोज देगा तब हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो सेल साइड की तरफ 17,300 के नीचे जाने के बाद हम ट्रेड लेंगे। तो चलिए कुछ देर बाद मिलते हैं जब हमें कुछ मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा या फिर हमारे लेवल से करीब मार्केट आता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए टाइम हो रहा लगभग आपका 9:50 के करीब। अब एक ही कैंडल आपका क्या किया है, ऊपर से नीचे आया है और
ये आपका 17,300 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। तो जो हमने यहाँ पे सेल साइड की तरफ लिया था ये ESL रख के, वो पोजीशंस तो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गया। और जो लोग सेफ जाना चाहते हैं वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं 17,300 करीब, या फिर 17,298 या फिर 96 जहाँ पे मौका मिल रहा वहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो लोग सेफ साइड जाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे सेल साइड की तरफ एंट्री ले लिए। अब यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस क्या होगा, अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब 17,250 का टारगेट प्राइस होगा, और जो लोग यहाँ पे सेल किए थे उनका भी पोजीशंस अभी तक ओपन है, और मार्केट आपके फेवर में अच्छा खासा आ गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस है उसको आप यहाँ पे नीचे लाएंगे, और 17,325 के करीब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेलिंग ESL हो जाएगा। यानी एनी हाउ मार्केट मुझे यहाँ पे लगभग 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट बना के देगा। अब हम यहाँ पे लॉस में नहीं रह सकते, और देखिए मार्केट आपका कंटिन्यूसली नीचे साइड की तरफ ही जा रहा है, और यहाँ पे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि ये टारगेट प्राइस हिट करेगा या नहीं तो उसके करीब ज़रूर आएगा। तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब भी हमारा टारगेट प्राइस हिट करेगा या नहीं तो यहाँ से ऊपर जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा। अब यहाँ पे देखिए टाइम हो रहा है आपका लगभग 10 AM के करीब, यानी 10 बज चुके हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अभी जो आपका प्राइस ट्रेड कर रहा है 17,256 करीब ट्रेड कर रहा है, यानी हमारे टारगेट प्राइस के करीब ही ट्रेड कर रहा है, और हमारा टारगेट प्राइस है 17,250 का, देख सकते हैं 254, यानी जस्ट 3-4 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, तो 2-4 पॉइंट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस हिट कर दिया। अब जो लोग यहाँ पे सेल किए थे 17,240 के लेवल पे, उनको यहाँ पे कितना मिला, उनको यहाँ पे लगभग आपका 80 से 90 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट उनको आसानी से मिल गया। और जो लोग 17,300 का लेवल ब्रेक होने के बाद सेल किए थे उनको भी यहाँ पे लगभग आपका 45 पॉइंट के करीब प्रॉफिट आसानी से मिल गया। तो जहाँ पे भी हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा, और ये क्रूशियल लेवल है जहाँ पे नीचे में हमें क्या देखने को मिल रहा, टेल देखने को मिल रहा 2-3 मिनट तक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना पोजीशंस बुक करके निकल जाएंगे हम प्रॉफिट में। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे क्योंकि लोअर लेवल पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे बायर्स भी एंट्री कर सकते हैं, और जब बायर्स एंट्री करेंगे तो ज़्यादा मौका आपको नहीं देंगे एग्जिट करने का। और देखिए कैंडल कलर यहाँ पे आपको ग्रीन रेड भी हो रहा, तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन है, डाउट है, हम प्रॉफिट बुक करके निकल लिए। जो लोग यहाँ पे सेल किया था उनको 45 पॉइंट, जो लोग ऊपर सेल किए थे 80 से 90 पॉइंट, देख सकते हैं आपने रिस्क लिया है तो आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिला, आपने रिस्क कम लिया तो रिवॉर्ड आपको कम मिला है। लेकिन आपको एक कैटेगरी पिक करना पड़ेगा, अगर आप सेफ जाना चाहते हैं तो फिर आप सेफ जाइए, ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में नहीं आना है, आपको अपना लिमिट पता होना चाहिए, रिस्क लेने का लिमिट, प्रॉफिट बनाने का लिमिट, स्टॉप लॉस रखने का लिमिट, सब कुछ का लिमिट। अब देखिए यहाँ पे आपका ये ग्रीन कैंडल बन रहा है जहाँ पे बायर्स में स्ट्रेंथ दिख रहा है, इसके बाद हो सकता है मार्केट वापस से नीचे चले जाए या फिर वापस से ऊपर चले जाए। अब इसके बाद क्या होगा ये मेरे काम का चीज़ नहीं है, अब इसके बाद लालच नहीं करना है कि यहाँ पे हमने हटा दिया, मार्केट यहाँ से और गिर गया या फिर और ऊपर चला गया, सही टाइम पे हटा दिया। आप कभी भी परफेक्ट बॉटम पॉइंट नहीं फाइंड कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें मार्केट से डर लग रहा वहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, तीनों में हमें सेलर्स का स्ट्रेंथ दिख रहा था, यहाँ पे सेलर्स में कमजोरी दिखा तो हमने सेल करके एग्जिट कर लिया। अब यहाँ पे हमें अगला पोजीशंस कब लेना है, अगर ये 17,250 के लेवल को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा और क्लोजिंग इसके नीचे देगा, और उसके बाद एक और आपका इसके बाद रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, यानी लगातार दो रेड कैंडल चाहिए क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने अपना एंट्री, अपना प्रेजेंस, अपना एक्टिवनेस दिखा दिया है, तो हमें लगातार दो रेड कैंडल चाहिए जिसका क्लोजिंग कहाँ पे हो, 17,250 से नीचे हो, तब यहाँ पे हम फर्दर सेल साइड की तरफ पोजीशंस लेंगे। तो इस तरीके से आपको मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और यही चीज़ आपको सीखना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बायर्स का एंट्री हुआ है तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, दो रेड कैंडल चाहिए जिसका क्लोजिंग 17,250 से नीचे हो तभी हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। अब बाय साइड की तरफ कब जाएंगे, जब ये 17,300 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ जाएंगे, पहला टारगेट प्राइस ये होगा, दूसरा टारगेट प्राइस 17,400 के करीब आपका दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब हमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो अब यहाँ पे एक बार हम और आ गए, अब यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हम इस कैंडल जब फॉर्म हो रहा था
उसी टाइम पे आपसे क्या बोले थे कि हमें क्या चाहिए था, लगातार दो रेड कैंडल चाहिए था जिसका क्लोजिंग कहाँ पे हो, इस लाइन के नीचे यानी 17,250 के नीचे हो। एक रेड कैंडल बनाया। अब यहाँ पे अगर आप इस रेड कैंडल को देख के सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आप ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप में फंसने से आपको कोई नहीं बचा सकता था। उसके बाद आपका प्राइस ऊपर गया, आपका SL यहाँ पे हिट होता और आप यहाँ पे टेंशन में आते। तो यही चीज़ करना है कि हमें सिचुएशन को देखना। इससे पहले बायर्स ने यहाँ पे अपना परजेंस दिखा दिया है, उसके बाद वापस से सेलर्स ने दम लगाया, नीचे गया है, लेकिन हमें एक और कन्फर्मेशन कैंडल नहीं मिला है। तो इसलिए यहाँ पे हमने दो रेड कैंडल का बात किया था, क्योंकि बायर्स का प्रेजेंस दिख गया, और अगर बायर्स का प्रेजेंस है तो वो प्राइस इससे नीचे नहीं जाने देगा और वापस से प्राइस आपका बहुत जल्दी 250 के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे हमें बाय साइड की तरफ भी नहीं जाना, बाय साइड की तरफ जाना है इस पर्टिकुलर लेवल के ब्रेक होने के बाद। तो चलिए आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं, जब हमें इधर नीचे में सेल साइड की तरफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा या फिर ऊपर में बाय साइड की तरफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो यहाँ पे हम वापस से चार्ट पे आ गए। अब देखिए प्राइस आपका 17,300 करीब, काफ़ी टाइम से इसके करीब ट्रेड कर, यहाँ पे एक कैंडल इसको ब्रेक करके ऊपर निकला लेकिन वापस से कैंडल नीचे आ गया। मतलब ये आपका एक क्रूशियल लेवल है और हमने सही क्रूशियल लेवल आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि इसके करीब हमें क्या देखने को मिलवा, हमें रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलवा, रुकावट देखने को मिलवा। और जब तक कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ नहीं जाएंगे। तो हमें क्लोजिंग चाहिए 17,300 के ऊपर। और यहाँ पे देखिए लगभग आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी लगभग 50 मिनट से अटैम्प्ट कर रहा 17,300 के लेवल को ब्रेक करने का, लेकिन ब्रेक नहीं कर रहा। और अब देखिए अब यहाँ पे फाइनली इसने 17,300 के लेवल को ब्रेक किया। तो ब्रेक करते हम एंट्री नहीं लेंगे, चाहे हमें लेट एंट्री क्यों ना लेना पड़े, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे क्लोजिंग का। अगर ये क्लोजिंग इसके ऊपर दे दिया तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे भी देखिए ब्रेक करके ऊपर तो गया था लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया था। अगर इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा SL क्या होगा, जो लोएस्ट पॉइंट है ये वाला नहीं, ये वाला लगभग आपका 17,250, ये आपका SL के रूप में काम करेगा। और यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे, चाहे हमें एंट्री 17,310 के लेवल पे लेना पड़े या फिर 17,315 के लेवल पे लेना पड़े। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखना है कि हम एंट्री जहाँ भी ले हमारा टारगेट प्राइस क्या होगा, 17,350 ही हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो SL बन जाएगा लगभग इस लेवल पे लेते हैं तो 60 पॉइंट का, और जो टारगेट बनेगा वो लगभग आपका 40 पॉइंट करीब बनेगा। तो यहाँ तक चल सकता है, जो रिस्क लेना चाहते हैं इस रेशियो में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन फिर 17,320 के ऊपर ट्रेड नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखिए कैंडल इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम रुक रहा है, लेकिन अभी भी ये स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रहा, यानी बायर्स में कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, और यहाँ पे हम अगेंस्ट द ट्रेंड भी जा रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। तो यहाँ पे देखें कैंडल ने क्लोजिंग ऊपर दे दिया, अब हम क्या करेंगे, यहीं पे हम एंट्री लेंगे, लगभग आपका 17,310 के करीब एंट्री लेंगे, और 17,250 ये हमारा SL रहेगा, और टारगेट प्राइस फर्स्ट होगा 17,350, और उसके बाद 17,400 भी हमारा टारगेट प्राइस हो जाएगा। तो अगर आप 400 की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में, 350 की बात करें थोड़ा सा नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो लीजिए, अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। आपको अपना लिमिट पता होना चाहिए कि हम इस रिस्क के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इस ट्रेड के लिए जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं। जो भी थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली जा सकते हैं, जो एकदम सेफ जाना चाहते हैं वो यहाँ पे इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, या नहीं तो वो भी अगर चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, ये हमारा SL हो गया, ये दोनों हमारा टारगेट 1 और टारगेट 2 हो गया, और हम इस टारगेट प्राइस के लिए आसानी से जा सकते हैं। तो रिस्क पे मेरा काफ़ी छोटा सा है, या नहीं तो अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो आप इस पॉइंट को भी SL रख सकते हो और यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। देखिए मार्केट मेरे फेवर में ऑलरेडी मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब मार्केट हमारा आइदर SL को हिट करे या फिर टारगेट प्राइस को हिट करे। तो यहाँ पे अभी जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो आपका 17,335 के करीब ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा कंजेशन जोन भी है, जहाँ पे हमें अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और थोड़ा बहुत हमें रुकावट भी देखने को मिल रहा है।
तो जो भी लोग यहाँ पे ट्रेड लिए हैं फॉर द सेफ्टी पर्पज़ क्या करें, यहाँ पे हम इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे चाहे मुझे प्रॉफिट कितना भी मिल रहा हो। तो जो भी लोग एंट्री लिए होंगे लगभग 20-25 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो हम क्या करेंगे 20 से 25 पॉइंट का जो भी प्रॉफिट मिल रहा इस प्रॉफिट के साथ यहाँ से हम एग्जिट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का थोड़ा सा एंट्री होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम अपना एग्जिट कर लेंगे। उसके साथ अब यहाँ पे हम ट्रेड कब लेंगे, अब यहाँ पे हम इंतजार करेंगे थोड़ा सा और ऊपर जाने का। 17,350 के ऊपर निकला तो 17,400 के लेवल के लिए आसानी से जा सकते हैं। नीचे में कब जाना, अगर ये 17,300 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आया तो वापस से हम 17,250 के लेवल के लिए जा सकते हैं। तो 17,300 ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आप नीचे में 50 पॉइंट के टारगेट प्राइस के लिए जाइए, 17,350 ब्रेक किया तो ऊपर में आप 50 पॉइंट के टारगेट प्राइस के लिए आगे फ्यूचर में इस तरह का ट्रेड लिया जा सकता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि इसमें से कोई भी ट्रेड आगे एग्जीक्यूट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, ताकि इस तरह के और भी स्ट्रेटजी में आपको लाइव मार्केट में अपडेट करता रहूँगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आगे हम जब भी इस तरह के वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप वीडियो को मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।